कैसा लगा टाइम लैप्स? गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम तोसेघर। सो यस, आज की सुबह हुई है 6:30 बजे। एक बंदे का गाड़ी ख़राब हो गया था तो बुलाने आया था, तो कैसे तो गया उधर, फुल एडवेंचर चल रहा है तब से। तो अब फ़िलहाल यही है कि नाश्ता करना है और निकलना है। गाड़ी रेडी है, पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुका है, अब थोड़ी देर में नाश्ता करके निकलेंगे अपने दूसरे एडवेंचर के लिए। चलो मिलता हूँ गाड़ी में। ठीक है काका, चले, धन्यवाद, थैंक यू। ओ गाइस, नहीं नहीं काय नहीं रहा, इस छोटे से प्यारे से घर को अलविदा कहने का टाइम हो चुका है। ये जो पैच है ना, ये थोड़ा सा ऑफ रोड है, तो ये रास्ता पूरा मिस किया था मैंने GoPro में, तो अभी मैं सोचा कि दिखा दूँ। तो ये रास्ते पे पहुँच गया। तो ये जो रास्ता है ये तोसेघर जाता है, क्या मस्त रास्ता है। कल आया तो भी बहुत बारिश था, मस्त यार, बहुत यूज है, वेरी 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 बहुत यूज है। विंड मिल के पास जाना कैंसिल, क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा यार, कहाँ जाके फोटो ले। अजनगढ़ यहाँ से 1.3 किलोमीटर दिखा रहा है, पहले वहाँ पे जाएंगे, पहले सज्जनगढ़ जाते फिर वो होटल में जाने। यहाँ से 1.3 किलोमीटर का है ऊपर टॉर्ड सज्जन में। मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ पहले, यहाँ से एकदम सुपर वाला। ये रास्ते से एंट्री करके यहाँ से आना है, और ये रास्ते से होते हुए सज्जनगढ़ फोर्ट, 10-15 मिनट है नीचे से। सो या काफ़ी खाने वगैरह के होटल्स भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे पूरा पार्किंग है। चलो we
मस्त है, सीनिक सीनिक एकदम ट्रैक है। समर्थ रामदास को दिया हुआ ये रहने के लिए दिया हुआ किला और इधर ही उनकी समाधि है। अच्छा। अंतिम दिन यहाँ उनके बीते है पांच बरस। अच्छा। और उनका देहांत भी इधर ही हो गया और उसके बाद वो यहाँ समाधि है रामदास स्वामी जी की। अच्छा। और उन्होंने जो मूर्ति पूजित की है राम पंचायत राम लक्ष्मण सीता मारुति और उनका खुद का मूर्ति वो इधर देखने को मिलता है। अच्छा, यही इसका महत्व है इसके लिए। अच्छा, मतलब शिवाजी महाराज यहाँ पे नहीं आए थे, उन्होंने उनके स्वामी जी के लिए रामदास स्वामी जी के लिए ये बनाया था, रहने के लिए दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, अंतिम दिन 5 इयर्स लास्ट 5 इयर्स वो थे, उसके बाद ये फोर्ट ऐसे ही रह गया। और सज्जनगढ़ ऐसे क्यों बोलते हैं इसको? वो सज्जन शिवाजी महाराज उनको संत नहीं तो सज्जन बोलते थे ना, वो इसीलिए वो सज्जनगढ़। सज्जन लोगों का मेला हुआ यहाँ उस वक्त भरा था। हाँ हाँ हाँ। और इसका नामकरण सज्जनगढ़ हो गया उस पे। बराबर बराबर। अच्छा, इसके लिए उसको सज्जनगढ़ है। ठीक है, थैंक यू। क्या है ना, एक तो वो फोर्ट पूरा घूम के देख सकते हो क्योंकि वहाँ का जो आसपास का नज़ारा है ना फोर्ट का वो काफ़ी अमेजिंग था और ये पूरा एरिया का आपको व्यू मिलता है तो बहुत अच्छा था वो फोर्ट का व्यू। और ये टर्निंग थोड़ा सा रिस्की है, आराम आराम से लेने टाइम हो रहा है 11:30 को वो होटल चेकिंग करना था बट या क्या करें, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो डिले होगा, इधर उधर होगा ही, देखते हैं अभी क्या कर पाते हैं, क्या किधर क्या जा पाते हैं, पूरा डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। पूरा फॉर्म से गिर गया देखो, तो ये सज्जनगढ़ फोर्ट से लेफ्ट लेके अपने को निकलना है। तो अभी मुझे खास रोड पे जाना है जो खास पटार वाला रास्ता है, तो यहाँ से 21 किलोमीटर दिखा रहा है, वो ऐसा डेंजरस ओवरटेक करने का जगह था वहाँ पर। मस्त जगह पे ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, इतना डेंजर लोगों को ओवरटेकिंग का क्या बोलने का, इतना छोटा रास्ता है ना उसमें भी ये लोगों को ओवरटेक करने का नहीं है। जाओ भाई जाओ भाई, बट भाई है रुक जा रहा, थोड़ा हल्का सा भी इधर उधर हो गया ना, इतना हाई में नहीं रहेंगे फिर भी लोग हाई करने से नहीं करते, अपन तो आराम आराम से चलाते भाई। We'll be right back.
से थोड़ा आगे ही ये मस्त वाला व्यू पॉइंट है, तो रुक के फोटोज वीडियोज ले सकते हो यहाँ पे एकदम। तो गाइस ये है सेकेंड डे और ये है कुछ रूम, स्टार्टिंग में ही वॉशरूम और इसके बाद मैं रूम टूर देता हुआ, छोटू सा कोजी सा बेड, टीवी, कबर्ड और इसका जो बेस्ट पार्ट है प्यारा वो है ये अमेजिंग सा व्यू विथ बालकनी, ठीक है, नाइस। सो ये रूम का जो कॉस्टिंग है वो मुझे 1500 पड़ा है और काफ़ी अच्छा आप देख सकते हो यहाँ पे। यस, फाइनली रूम पे पहुँच गए, थोड़ा फ्रेश हो लिया, अब जा रहे, ये जो प्रॉपर्टी है काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी है तो जस्ट उसका एक टूर करेंगे और देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं। आज पूरा दिन है मेरे पास तो मोस्ट प्रोबेबली खास पतार या देखते हैं खास पतार या और एक दो छोटे मोटे वाटरफॉल है, वज्रा ही सोच रहा था बट शायद वो नहीं होगा, देखते हैं जो भी है जैसा भी है मैं आपको दिखा दूँगा। बेस्ट पार्ट जो यहाँ से है वो है यहाँ से व्यू जो काफ़ी मस्त है, यहाँ से पूरा डैम वैम सब दिख रहा है, फुल पहाड़ माउंटेंस और आई डोंट नो इसमें दिख रहा है या नहीं, नहीं दिख रहा है शायद, यहाँ पे ना ये पहाड़ है उसके जस्ट पीछे से आई थिंक एक वाटरफॉल जैसा लग रहा है मुझे, आई एम नॉट श्योर वो क्या है बट वाटरफॉल जैसा ही लग रहा है, बहुत सही है यार यहाँ से व्यू, बहुत ही मस्त है, फुल ग्रीनरी इन बिटवीन द नेचर। तो ऐसा है कुछ व्यू यहाँ पे, काफ़ी मस्त है प्रॉपर्टी। सो चलो आपको कई और भी चीज़ें दिखाता हूँ इस प्रॉपर्टी का जो बहुत ही अमेजिंग है। सो ये है इस रिसोर्ट का मेन एंट्रेंस, ऑन द वे ही है, जैसे मैंने गोप्रो से शूट किया था सीधा अंदर लेफ्ट में डाल दो। चेक आउट द व्यू फ्रॉम हियर, वाओ ये वाओ व्यू है। तो ये है इस प्रॉपर्टी का एंट्रेंस, छोटा सा साईं बाबा का मूर्ति, स्कूटर और यहाँ से नीचे जाना है। बहुत सही है यार ये लोकेशन रिसोर्ट का। तो ये सूप है, ये चिकन का ग्रेवी, चिकन काकड़ी और ये जवार का भाकरी, तो आज का फूड सॉर्टेड, चावल भी मिलेगा अनलिमिटेड।
Vishwar Resort. Okay, so it's like a resort. यहाँ सब आने वाले, यहाँ सब जाने वाले. देखो भाई साहब, और 9.7 दिखा रहा है. सुनो, एक खास डैम है. एक्चुअली यहाँ से रास्ता था बट बंद किया है. बट चलो देखते हैं, अभी दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा इसका. लेट्स सी. तो वो वाटरफॉल तो जाने का रास्ता मिला नहीं, तो वाटरफॉल स्किप. अब खास पत्तार में आ गया हूँ. ओके, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी दिख रहा है, यहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं. तो ये सारे फूल हैं यहाँ पे जो देख नहीं पाऊँगा. एक ही फूल है जो अपन देख सकते हैं, वाइट कलर का कोई तो फूल है. यहाँ पे कुछ वाइट फ्लावर्स है जो, ये जो फूल है यही है हर जगह पे. इसी एक आपको नजदीक बना दिखा दो. तो ये है खास पतार का सारा सीन. द थिंग इज, अभी जो है चालू है बट 50 रुपीज पर पर्सन यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं. और एक ही फ्लावर है तो मैं गया नहीं, यहीं से निकाल लिया मैंने. और इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स के फ्लावर रहते हैं जो आई थिंक नेक्स्ट मंथ से चालू होगा. और 150 रुपीज तभी के टाइम चार्जेस होता है. और इसके अलावा यहाँ पे जंगल सफारी भी कर सकते हो आप. टोटल 50 किलोमीटर्स का है, 3 घंटा लगता है और वो रात को होता है. सो अगर करना है तो. और वहाँ पे लेपर्ड और बाइसन वगैरह दिखते हैं. चलो अभी यहाँ से चलता हूँ. वज्राई वाटरफॉल जाना था बट वज्राई वाटरफॉल का सीन ऐसा है कि अभी फ़िलहाल ये यहाँ से एक रास्ता था जहाँ से मैं वो खास लेक का जो रास्ता है वहाँ पे बोल रहे हैं कि पानी भर गया है, इसके वजह से वो रास्ते पे भी पानी आ गया. तो वो रास्ता बन गया है जो 7 किलोमीटर का है. और एक और रास्ता है जो यहीं से खास रोड से सीधे जाके एक राइट टर्न आता है, तो वहाँ से वज्राई वाटरफॉल जा सकते हैं. देखते हैं, अभी ट्राई करता हूँ. वो रास्ता गूगल मैप पर नहीं दिखा रहा है बट ये भैया से पूछो मैंने. ये रास्ता है दूसरा वज्राई वाटरफॉल. एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे जाके हो जाए. ये जो रास्ता है वज्राई वाटरफॉल, यहाँ पे 7.2 किलोमीटर की है. और रास्ता देख लो भाई साहब, एक लोकेशन मिला है. चलो देख के आते जरा, कहीं ना कहीं तो आ गया हो. लेट्स सी, हाथ के फिर लग गए.
ये खास लेक का ही बैक साइड है, यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा। देखो ये जो रास्ता है ना, एक्चुअली ये रास्ते से आना था। वाह, तो ये है वो लेक, अमेजिंग वाला लेक है। सो वो पॉइंट पे थे हम लोग। देखो थोड़ा सा ये यहाँ पे अमेजिंग खास लेक। सो जो रास्ता है, ये रास्ता एक्चुअली ये रास्ता यहाँ से यहाँ पे जाके फिर ये पानी में घुसा है ये रास्ता, तो कैसे आएंगे लोग यहाँ पे। सो जो शॉट आ रहा था लंबा पड़ गया, पर ठीक है, ये भी एक अलग एडवेंचर था। कल से काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर हो रहा है। कहाँ पे जाना था, कहाँ जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, पर ठीक है, अच्छा ही है। तो इसी बहाने ये प्यारा सा लेक देखने मिल गया। और यहाँ पे जो ये पूरा खास लेक है, उसका ये खास व्यू है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पे पूरा पानी ज़्यादा हो गया और लेक का ये हाल है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। ये ऑलमोस्ट 5 तो बज ही गए, ये भी मैं आ नहीं रहा था, वो व्यू पॉइंट का रास्ता थोड़ा सा ख़राब था, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आ गया। खास का पानी है, खास लेक का, मस्त लग रहा है यार। फिर से गलत टर्न, बट ये गलत टर्न ने भी फायदा ही किया, अदरवाइज ये जो डैम है मैंने देख नहीं पाता मैंने। तो ये बहुत सही लगा मुझे, डैम का इसको खाली गया। क्या मस्त बना है यार ये, अभी रिसेंटली आई थी इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, नया नया ही लग रहा है, अच्छा किया। कुछ लोग यहाँ पे नहा भी रहे मोस्टली। अभी अपने को आराम से होटल तक है, 5:39 ओवर है वैसे भी, अभी ज़्यादा बाहर नहीं रह सकता, अंधेरा भी होने आया है, मैं सोचा कि अभी निकल लेते हैं घर से। ठीक है, अभी क्या करें, कुछ चीज़ें बाकी रह जाती है, रह जाने दो नेक्स्ट टाइम के लिए। यहाँ पे आज आके खास पटार देख लिया, ये लेक का व्यू देख लिया, खास लेक का जो प्लान किया भी नहीं था वो देख लिया आज, और जो प्लान किया था वो कुछ नहीं हुआ। एनीवेज ऐसा ही होता है लाइफ में कभी कभी। फाइनली सातारा ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत सातारा का घूम के हो गया है, और ये प्यारा सा व्यू कैसा लगा टाइम लैप्स बताना मुझे बिल्कुल। और मेरा बाइक इन बिटवीन खड़ा हो, मतलब हमेशा से ऐसा इच्छा था कि यू नो कहीं पे बीच में अगर व्यू दिखता है तो बीच में ही रुका दो यार। और फाइनली ऐसा व्यू मिला कि इसको ही व्यू पॉइंट डिक्लेयर कर दो यार, कितना मस्त है व्यू। आई डोंट नो कितना अच्छा क्लियर आ रहेगा, बट बहुत ही सही व्यू है। सो ये जो हमारा रिसॉर्ट है उसके जस्ट थोड़ा सा आगे आगे ये व्यू पॉइंट है, और माइंड ब्लोइंग। सो आज का तो वैसे तो हो गया है सब। सो देखते हैं आज क्या कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 6:15 के आसपास हो गए। गाइस आज ना मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया, आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए क्या नहीं, मुझे ये डालना भी है क्या नहीं, मैं डालूंगा भी या नहीं मुझे नहीं पता, बट ना एक सही में एक ना मैंने चीज़ रियलाइज़ किया है कि हम कहीं भी घूमने जाते हैं ना तो उस जगह का फील ही नहीं ले पाते। इनफैक्ट ना हम व्यू पॉइंट्स के चक्कर में ना कहीं खो जाते हैं यार। आज भी ऐसी हो मेरे साथ, मैंने
मैं इनफैक्ट मैं 2-3 हफ्तों से ये वीकेंड का मैं वेट कर रहा था, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ था और ट्यूसडे ऑफ था, तो मैंने सोचा मंडे एक दिन छुट्टी लेके एंजॉय करूँगा और कहीं घूमने जाऊँगा, तो ये मेरा प्लान था। बट जब भी मैं घूमने के इसमें आ गया ना, सीधा मैं रेस में लग गया कि यार इधर जाऊँ उधर जाऊँ किधर किधर जाऊँ। तो मैं कल जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे आना है, तो मैं ना सोच रहा था कि मैं कहाँ पे जाऊँ क्या देखूँ। तो इनफैक्ट जो वाटरफॉल भी जाना था वो भी मैं सोचा कि यार इतने सारे जगह में से सोचते बैठा कि मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, 2 दिन है मेरे पास। तो सोच के फिर ये सातारा डिसाइड किया, और जब डिसाइड हुआ तो मैं देखने लग गया यार यहाँ पे जाऊँगा, ये व्यू पॉइंट है, ये है। इनफैक्ट जस्ट मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि मैं व्यू पॉइंट्स के चक्कर में कि क्या देखना है के चक्कर में ना उस फील में, इवन आज जो मेरे साथ हुआ ना, मैं अगर आप देखोगे मैं वज्राई वाटरफॉल के इसमें चला गया कि वज्राई वाटरफॉल देखना है, तो वाटरफॉल का रास्ता पहले गलत हुआ, गलत जब हुआ, जब मिला तब रास्ता ऐसा था थोड़ा जंगल के अंदर सा और अंधेरा होने वाला था, तो फिर जा नहीं पाया। तो पूरा ना मेरा दिन नहीं बोलूँगा मैं, आधा दिन ना मेरा पूरा उसी के चक्कर में चला गया। और जब महाबलेश्वर या सातारा या ऐसी कोई जगह है ना, तो पूरा व्यू ना मेरे आँखों के सामने है, आप कहीं से भी आप देखो ना आपको एक सुपर व्यू दिखेगा। तो हम ना व्यू पॉइंट्स के चक्कर में ना कभी कभी ऐसा लगता है बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, और जो सामने है जिस मेरे होटल से बाहर इतना अमेजिंग व्यू है वही इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। तो यह यही है, मुझे ऐसा लगा कि ये बोलना चाहिए, आई डोंट नो कि कितना सही है कितना गलत है। और हर जगह जाके लोग तो तोसेवाड़ी वाटरफॉल जब मैं गया वहाँ पे भी बहुत सारे लोग थे। फिर अब जो खास पतार का जो फ्लावर का व्यू पॉइंट था उसमें भी बहुत सारे लोग थे, भले ही कोई जा नहीं रहा था, कम लोग अंदर जा रहे थे, फ्लावर्स नहीं था, फिर भी बहुत सारे लोग थे। तो ये ऑफ सीज़न है यहाँ पे, बट फिर भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। सो यहाँ यही है हिसाब किताब टूरिस्ट स्पॉट और ट्रैवलिंग का, तो मुझे तो ऑफ फिट लोकेशन ही पसंद है। सो या बस यही एक बोलना था, शेयर करना था। और मैंने सोचा है जब मैं नेक्स्ट कभी ट्रिप पर आऊँगा ना, तब ऐसा कोई ट्रिप पे आऊँगा जिस पे ना जगह ही बहुत सही होगी, ये व्यू पॉइंट के चक्कर में नहीं भरूँगा, जब मैं जहाँ पे हूँ उस जगह का थोड़ा सा फील लेने का ट्राई करूँगा। लेट्स सी अब ये सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं, क्योंकि यार व्यू पॉइंट देखने का ना जैसे तो नियम सा बन गया है हर जगह पर, हर किसी के साथ, हर किसी के लाइफ में कोई भी अगर घूमता है। एनीवेज चलो अब मैं पहुँच गया हूँ ये रिसोर्ट में, ये भी काफ़ी प्यारा सा रिसोर्ट है, यहाँ पे पहुँच गया हूँ। अब 7 ऑलमोस्ट बन चुका है, दिन ऑलमोस्ट ढल चुका है, बट ये प्यारा सा व्यू है इंजॉय करने के लिए। यहाँ पे खड़ा हूँ मैं जस्ट एंट्रेंस पे, बाइक पार्क किया है। चलो देखो कितना प्यारा व्यू है यार, और मैं किधर भाग रहा था, 1-1.5 घंटा मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिया। चलो और ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, 4 मिनट हो गया। अभी भी 7 बज के गए, फिर भी अंधेरा नहीं है, बट काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ, बहुत ज़्यादा काम वाइब्स है। मैं ना नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना, तो सिर्फ ना ऐसे जगह पे, ऐसे किसी जगह पे हो सके तो इधर ही आ जाऊँगा एक बार, 1-2 दिन के लिए मस्त चिल करूँगा, थोड़ा आसपास थोड़ा घूमूँगा, फिर देखेंगे।